जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद बल्लभा बंगाली के द्वारा ही टीम गठित कर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान जिसमें चार टीमों का गठन किया गया, सभी टीमों को अलग अलग स्थान पर भेजा गया। जिलाधिकारी कोबो की सूचना मिली हुई थी कि जनपद की कई फैक्ट्रियां प्लास्टिक का कचरा जलाकर प्रदूषण फैला रही, इसी को लेकर जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई टीम ने कई इकाइयों पर छापेमारी कर मगर किसी भी फैक्ट्री में प्लास्टिक नहीं जलती पाई गई। देखिए, आप जानते हैं ग्रैप इन प्लेस है और जो हमारे एक्यू आए हैं, एक्यू को कम रखना है, 200 के अंदर रखना है और फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अतिरिक्त सूचना ये प्राप्त हुई थी कुछ जगह पे प्लास्टिक को स्टोर किया गया है और इसको रात में कुछ फैक्ट्रीज में जलाया जाता है, ये शिकायत मिली थी, गोपनीय सूचना थी। तो करीब 11 जगह की सूचना मिली थी, इस पर कल SDM और CO की ज्वाइंट टीम बना के एक स्पॉट इंस्पेक्शन और रेड कराया गया। तो इसमें तीन जगह पे भोपा और जानसेट रोड पे तीन गुड़ान मिले हैं, एक दो खुले गुड़ान है और एक बंद गुड़ान है जहाँ प्लास्टिक स्टोर किया गया था, उनको तो तत्काल सील किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य फैक्ट्रीज में जहाँ मिली है और उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसके इनको जो जितना भी फैक्ट्री ओनर्स है उनको नोटिस सर्व किया जाएगा प्रदूषण नियम के अंतर्गत, उनके जवाब के बेसिस पे और उनको एक मौका हियरिंग मौका देने के बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। और कोई शिथिलता पाई जाती है या नियम के विरुद्ध है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा कैमरे में लगाए गए कंट्रोल रूम का डील हो, हाँ, तो क्या उनमें नहीं दिखाई? ये आपकी बात सही है, जहाँ कैमरा जहाँ जिस फैक्ट्रीज में जो हम ये किया गया है, रेड किया गया, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे अपनी जो DM वॉर में कैमरे में क्या आई है, तो कैमरा काम कर रहा था नहीं कर रहा था वॉट एवर, या तो ये सब क्रॉस चेक करके इसलिए उनको एक मौका दिया जा रहा है, उनको सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रदूषण को लेकर भी एयर पोल्यूशन के संबंध में बहुत सीरियस है एंड कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम पोल्यूशन रहे। इसके अतिरिक्त दो बड़ा LEDs लगाया जा रहा है जैसे कि हमारे एक एयर कंट्रोल इंडेक्स है, तो महावीर चौक पर और मुजफ्फर एंट्री पॉइंट पे दो बड़ा LED लगाया जाएगा जिसमें हम PM10, PM2.5 और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ये प्रदर्शित की जाएगी, ताकि पब्लिक को पता रहे, ताकि पब्लिक को जानकारी रहे मुजफ्फरनगर में क्या वातावरण है, और इसके तहत पब्लिक का सेंसिटिविटी और इंडस्ट्री का सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ताकि एक दबाव भी रहेगा कि हम प्रदूषण को कम कर सके, इसी के तहत प्रयास है। सर, पहले पानी का छिड़काव होता था रोड पर डस्ट, वो हमारे पास 14 टैंकर से और 4 एंटी स्मोक गन से वो है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब कई कोई शिकायत है तो उसको और इंटेंसिवली किया जाएगा।